हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हम्मुराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और मेरे साथ अभी एडवोकेट प्रीतिश उम्ब्रे सर हैं, और उनसे हम एक जनरल इन्फॉर्मेशन और जानकारी लेंगे रिगार्डिंग द लीगल प्रोफेशन इन उस्मानाबाद। तो सबसे पहले प्रीतिश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया, और सर बार के सेक्रेटरी भी हैं तो उसके लिए भी आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। मुझे बताइए कि लॉ कॉलेज कहाँ पे है उस्मानाबाद में? हमारे यहाँ लॉ कॉलेज उस्मानाबाद इज सिचुएटेड एट द तामरी विभाग उस्मानाबाद एंड इन द कैंपस ऑफ श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था एंड विच इज एक्चुअली जनरेटेड बाय द कोल्हापुर। ओके। यस, एंड 3 years एंड 5 years बोथ कोर्सेस आर डन देयर ऑफ LLB। ओके। तो सर ये जो लॉ कॉलेज है ये कौन से यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा। यस यस, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। ओके। अभी एक सर मैं सवाल पूछना चाहूँगा आपको कि जनरली क्या ट्रेंड है लोगों का लॉ प्रोफेशन में जाने का? मतलब जैसे मेनली तो मैं पूछना चाहूँगा 12th के बाद, क्योंकि 12th के बाद BSc वाले तो ठीक है, बट BCom और BA ये जो पास आउट होते हैं उसमें से कितने लड़के लोग या लड़कियां जो भी है 5 year कोर्स में जाने की इच्छा रखते हैं? क्या ट्रेंड है यहाँ का? सर एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे उस्मानाबाद की जो पॉपुलेशन है वो 2-3 lakhs है और जो लॉ प्रोफेशन चुनते हैं और लॉ प्रोफेशन में आते हैं उनका पॉपुलेशन less than 1% है। ओके। यस, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो जनरेटेड है अपने लॉ प्रोफेशन में आते हैं प्रैक्टिस करते हैं वो 500 से 600 एडवोकेट्स है। अच्छा, इसका मतलब वो उनकी पॉपुलेशन जो लीगल प्रोफेशन चूज करते हैं इज less than 1%। ओके ओके, तो ट्रेंड काफी कम है यहाँ पे, less than 1%। ओके सर, मुझे पूछना था कि लॉ बुक्स आप कहाँ से बाय करते हो? एक्चुअली इन उस्मानाबाद देर इज नो स्पेसिफिक शॉप ऑफ एनी टाइप ऑफ बुक्स, बुक शॉप। इफ यू वॉन्ट टू बाय लॉ बुक्स और एनी अदर बुक, यू वॉन्ट टू बाय इट आइदर ऑनलाइन और यू बाय इट बाय गोइंग मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक सोलापुर, लातूर, विच इज एडजेसेंट टू उस्मानाबाद। अच्छा, यू गो देयर एंड यू बाय द बुक्स ऑफ लॉ और एनी काइंड ऑफ बुक्स। अच्छा, समटाइम्स सम एजेंट्स ऑफ bookshops they came here you order them after you order they bring their book and put it to you or buy it to you। okay sir, ये जो लोग आते हैं publisher के कहो या book seller के बोलो, ये generally कहाँ से आते हैं? मतलब location wise पूछ रहा हूँ मैं। सर वो आते हैं जहाँ से वो book publish होती है, जहाँ पे उनका कारखाना होता है books का या पब्लिशर का, जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होती है वहाँ से वो आते हैं। मतलब बॉम्बे से आते हैं, कहाँ से आते हैं? बॉम्बे से आते हैं, नासिक से आते हैं, कुछ यूपी बिहार से भी आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट्स के जो साइटेशंस के बुक्स रहते हैं वो वहाँ से भी आते हैं। अच्छा, और मतलब ये जो लोग आते हैं ये कमेंट्री के बुक्स भी आपको भेजते हैं? यस यस, बोथ कमेंट्री आल्सो एंड द साइटेशंस बुक्स आल्सो, दोनों तरह के किताबें आपको भेजते हैं। अभी एक अगला सवाल मुझे ये है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज कितनी है? वेरी लेस, क्योंकि उस्मानाबाद आता ही है ड्रॉट एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, सो कॉर्पोरेट आर नॉट डेवलप्ड हियर सो मच। ओके, सो कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज आर जस्ट निग्लिजिबल। ओके, लेकिन ये जो फाइनेंस कंपनियां वगैरह होती है उनके 138 के लिए वो एब्जॉर्ब करते हैं परमानेंट लेवल पे? नहीं, फर्म्स को एब्जॉर्ब करना या अडॉप्ट करना यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे इंडिविजुअल जो एडवोकेट्स होते हैं उन्हें ही लेते हैं। अच्छा, उन्हीं को काम मिल जाता है, उन्हीं काम देते हैं या उन्हीं से कॉन्टैक्ट होता है सजेशंस के लिए या कुछ भी। ओके, मतलब एक तरह से कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज नहीं है यहाँ पे। ओके, मैं एक पूछना चाहूँगा कि एक कई मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप जाओगे कोई भी है तो वहाँ पे एक ट्रेंड है कि कोई एक लॉ फर्म जो होती है वो फुल फ्लेज लिटिगेशन करती है और कोई लॉ फर्म होती है जो सिर्फ कंसल्टेंसी वगैरह करती है,
तो जिसको जनरली नॉन लिटिगेशन फर्म बोलते हैं, तो उस तरह का कोई एग्जिस्टेंस अपने उस्मानाबाद में है नॉन लिटिगेशन फर्म्स का? एज आई से बिफोर, वैसा कोई नहीं है यहाँ पे. जिसको प्रैक्टिस करनी है वो आइदर कम इन कोर्ट और गो अनदर सिटीज फॉर दिस प्रैक्टिस. अच्छा, नॉन लिटिगेशन फर्म्स आर नॉट डेवलप्ड येट. अच्छा, उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप हुआ है. अभी मैं पूछना चाहूँगा सर के जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स वगैरह, तो उसका अगर कोई उस्मानाबाद में जो आदमी रह रहा है और उसने कुछ डेवलप किया है उसका, तो उसके कॉपीराइट के लिए उसको कहाँ जाना, पेटेंट या कॉपीराइट कहाँ जाना पड़ता है उसको? यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस है. अच्छा, इट इज सिचुएटेड एट बसवेश्वर चौक, महात्मा बसवेश्वर चौक, द सेंटर बिल्डिंग. इट इज कॉल्ड एट सेंटर बिल्डिंग. इन सेंटर बिल्डिंग इट इज सिचुएटेड एट सेकेंड फ्लोर. अच्छा, यस, वहाँ पे है. हाँ, वहाँ पे है रजिस्ट्री ऑफिस. अच्छा. आप वहाँ पे जो जो चाहे वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कंपनीज है, फर्म्स है, या फिर और कोई आपकी प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह है, वहाँ पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हो. हाँ, IPR और पेटेंट्स के लिए आपको जो एग्जामाइनिंग करना पड़ता है या बाद में कुछ इश्यूज रहते हैं उसके, वो खाली रजिस्टर यहाँ पे हो. एग्जामाइनिंग और बाकी का जो प्रोसेस रहता है पेटेंट्स के लिए या IPR प्रॉपर्टीज के, उसके लिए आपको बाय लीगल प्रोसीजर उसको पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, जो यहाँ पे नहीं होगा. वो जहाँ पे उसका प्रॉपर्टी का एक्चुअल वैल्यू है वहाँ पे ही जाके आपको पूरा करना पड़ेगा. अच्छा, हाँ, खाली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा. ओके, बाकी कुछ नहीं. एग्जामाइनिंग वो बाद में करना पड़ेगा आपको. और अगर इसी से एक संलग्न सवाल आता है कि अगर किसी को कंपनी रजिस्टर करनी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है वो आपको कहाँ लोकेटेड है? वो वहाँ पे ही सर, DIC ऑफिस भी वहाँ पे ही है और उसके सामने ही ये ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस. ओके, वो बोथ और कंबाइन करके आपको रजिस्टर्ड करवा के देंगे. ओके, वो एक बड़ा रजिस्ट्री ऑफिस है वो? नहीं, बोथ आर अपोजिट बिल्डिंग. अच्छा, अपोजिट बिल्डिंग. हाँ, अपोजिट बिल्डिंग है, लेकिन वो हो जाएगा वहाँ पे. अच्छा, तो पार्टनरशिप फर्म्स का भी वहीं पे? यस यस यस, इफ यू वांट टू डू पार्टनरशिप फर्म यू आल्सो रजिस्टर्ड देयर एंड देन इट विल बी मूव ऑन. ओके सर, ये पूछना था कि चैरिटी कमिश्नर का ऑफिस उस्मानाबाद में है? हाँ, यस यस, इट इज जस्ट नियर एडजेसेंट टू कोर्ट कैंपस एरिया. अच्छा, यस, वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 2 मिनट्स. ओके, यस, तो वहाँ पे भी इट इज नॉट इन द कैंपस, इट इज जस्ट एडजेसेंट टू, बहुत ही नजदीक है. yes, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस टू 2 मिनट्स ओनली. ओके सर, मुझे जानना था कि आर्बिट्रेशन का काम, क्योंकि अभी बहुत सारे मेट्रोपोलिटन जो सिटीज है, बॉम्बे और आप दिल्ली, ये सब बोलो, वहाँ पे अभी ज़्यादा लोग आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं ना कि लिटिगेशन में. तो यहाँ क्या ट्रेंड है, आर्बिट्रेशन चालू है यहाँ पे? हाँ सर, बहुत चालू है और वेरियस टाइप्स ऑफ केसेस आर आर्बिट्रेटर बाय द आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेट बाय द आर्बिट्रेटर. ओके, यस, क्योंकि लोग यहाँ के बहुत फ्रेंडली है, कोऑपरेट करते हैं. बहुत कम लिटिगेशन रहते हैं कि जो लंबे दर लंबे चलते रहते, लेकिन बहुत से ऐसे लिटिगेशन है कि जो शुरू नहीं होते जल्दी खत्म हो जाते. ओके, शुरू होने से पहले खत्म हो जाते. मतलब एक तरह से अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अच्छा चल रहा है आपके यहाँ पे? बहुत ही अच्छा चल रहा है. वेरी गुड. और जजेस आर आल्सो कोऑपरेटिव, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस ऑल दिस थिंग्स. सर, मुझे जानना था कि फैमिली कोर्ट अलग से है या कोई सर को चार्ज दिया हुआ है उसका? नहीं, फैमिली कोर्ट इज एक्चुअली सेपरेट. फैमिली कोर्ट इज एक्चुअली केम हियर इन 2018. ओके, बिफोर दैट जो कुछ मैटर रहते थे वो सीनियर डिवीजन सिविल कोर्ट में चलते थे, सीनियर डिवीजन सिविल कोर्ट में. अच्छा, लेकिन कुछ दिनों पहले से, 10-12 सालों से ऐसा ट्रेंड आ रहा है जो फैमिली मैटर्स इंक्रीज कर रहा है. वो ब्लाइंडली एडॉप्शन ऑफ द वेस्टर्न कल्चर्स, दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग कि फैमिली मैटर्स बढ़ रहे हैं. यस, और उसकी वजह से ही सेपरेट फैमिली कोर्ट लाना पड़ा यहाँ पे. अच्छा, मतलब इनफैक्ट क्वांटम बढ़ रहा है इसलिए कोर्ट लाना पड़ा. यस. ओके सर, ये मैं जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट जो है 1999, जिसमें टेनेंट और लैंडलॉर्ड के दावे होते हैं, तो उसके लिए कोई सेपरेट स्मॉल कॉजेस, जैसे बॉम्बे में स्मॉल कॉजेस कोर्ट है जो खाली? नहीं सर, यहाँ पे वो कोर्ट नहीं आता.
महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट यहाँ पे नहीं लगता बिकॉज वी बिलोंग्स फ्रॉम द हैदराबाद टेनेंसी एक्ट. ओके यस वी आर हम मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम जो बोलते हैं 17 सितंबर को ही उसका मुक्ति संग्राम का दिन हुआ है. करेक्ट. हम वी आर बिलोंग्स फ्रॉम द हैदराबाद स्टेट. हाँ हाँ. सो हमें यहाँ पे जो लगता है रेंट एक्ट वो हैदराबाद टेनेंसी का लगता है. ओके. हाँ. और वो महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट वो पश्चिम महाराष्ट्र कोकण या विदर्भ को लगता है सर. मतलब MRC जिसको 1999 बोलते हैं वो आपके यहाँ एप्लीकेबल नहीं है. नहीं सर. तो आपके यहाँ कौन सा एप्लीकेबल है आपने कहा? हैदराबाद टेनेंसी एक्ट. हैदराबाद टेनेंसी एक्ट. यस. वो जिसमें लैंडलॉर्ड और यस यस बोथ आर क्वारलिंग और गेट वो अपने समझौता कर सके वो उसमें ही होता है. तो उसके जो केसेस होते हैं सर तो उसके लिए कभी अलग कोर्ट है या असाइनमेंट दिया हुआ है उसको? नहीं असाइनमेंट दे दैट केसेस आर डन बाय द सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन आल्सो. अच्छा. यस सर. मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल MACT उसके लिए आपके पास अलग से कोई ट्राइब्यूनल है या नहीं? अलग से ट्राइब्यूनल नहीं है यहाँ पे. लेकिन उनका जो आपस में जजेस डिवाइड करते हैं आपस में केसेस वैसा डिवाइड किए वाला है. अच्छा. वो केस दिया गया है कुछ नामी जजेस है उनको वो केसेस हैंड ओवर कर दिए है वो केसेस वही करते हैं वो दे आर ट्राइड बाय सेम जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेम जज. ओके. तो लेबर कोर्ट कैसा है? अलग जगह पे है या असाइनमेंट किया हुआ है कोई जज साहब के पास? नहीं सर यहाँ पे लेबर कोर्ट अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है. वो आप नज़दीक का जिला जो है लातूर वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा. इफ़ यू हैव वन लेबर केस देन यू गो देयर एंड देन फाइल अ सूट अगेंस्ट वॉट एवर यू वांट टू डू और वहाँ पे जाके आपको पूरा ट्रायल होगा आपका. और वो जो कोर्ट आपके हित में जजमेंट देगा या आपके अगेंस्ट देगा वो आपको आपके ऊपर लायबल रहेगा सर. अच्छा. यस. ओके. तो मतलब उस्मानाबाद में लेबर कोर्ट नहीं, नहीं है हमारा अभी तक तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है क्योंकि अब राजनीतिक कुछ लोग हैं उसकी वजह से थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो रहा है इसका. ओके सर. अभी मैं थोड़ा सा बार के बारे में जानना चाहूँगा कि बार के आपके यहाँ पे मेंबरशिप फीस का क्या स्ट्रक्चर है आपका एनुअली वगैरह सब उसके बारे में कुछ बताइए सर. वी आर एक्चुअली एज आई से बिफोर हम ड्रॉट एरियाज महाराष्ट्र का ड्रॉट एरियाज में से आता है उस्मानाबाद और इसलिए इसकी वजह से बार एसोसिएशन ने भी अपनी जो फीस है एनुअल फीस वो ज़्यादा नहीं रखी. अगर आप जूनियर है 10 साल के अंदर है 15 साल के अंदर है तो आपको 10 रुपये लेंगे महीने का चार्ज. महीने का चार्ज 120 रुपया साल का. हाँ. ओके. और अगर आप सीनियर है अबाउ 15 ईयर्स आपकी प्रैक्टिस है देन इट विल बी 50 रुपीज पर मंथ. 600 रुपये. यस. अच्छा मतलब काफ़ी कम है सर. और वो हेल्पिंग नेचर है सबका इसलिए ज़्यादा पैसे का कुछ मामला नहीं है. नॉलेज है सबके पास लेकिन कोई पैसे के लिए ज़्यादा तान तनाव नहीं रखता है सर. अच्छा. अभी एक जस्ट एक क्यूरियोसिटी से ही पूछ रहा हूँ कि आपने बहुत लो ब्रैकेट रखा हुआ है जिससे वजह से बहुत अच्छा है एक तरह से कि एवरी जो भी 15 वर्ष के नीचे है उसको ईजी गिरता है कि 120 रुपया महीने का वर्ष का मतलब कुछ नहीं है. बट फिर बार का जो कोई कार्यक्रम होगा क्योंकि उस वजह से बार के पास तो फंड कम ही आएगा आपके तो फिर बार के कार्यक्रम होते हैं वो किस तरह से फिर आप एडजस्ट कर पाते हो बिकॉज यू गेट वेरी लेस अमाउंट एज कॉन्ट्रीब्यूशन एक्चुअली सर. एज आई से बिफोर कि यहाँ के लोगों का हेल्पिंग नेचर ज़्यादा पैसे आपसे लेंगे भी नहीं और अगर कोई बड़ा कार्यक्रम कर रहे हो आप तो डोनर्स बहुत आ जाते हैं सर. अच्छा. एडवोकेट्स में कुछ सीनियर एडवोकेट्स है वो आते हैं आपके पास और आपको अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो बोलते हैं ये मेरे तरफ से रख लो. अच्छा. और कुछ कम गिरे तो मुझे बोलो मैं आपको दूंगा आपको सपोर्ट करूंगा. ओके. तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज आपने बताई है कि यस उस्मानाबाद इज वन ऑफ द ड्रॉट एरियाज ऑफ महाराष्ट्र और यहाँ पे उसकी वजह से लोग ज्यादा चिड़चिड़े नहीं. आप बाहर भी अगर घूमने जाएंगे तो आपको हेल्पिंग नेचर के लोग ही ज्यादातर मिलेंगे जो आपको दिल से आपका स्वागत करेंगे कोऑपरेशन करेंगे आपको कुछ अगर चाहिए होगा तो दिल से दे देंगे. यस.
दूसरा सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि बार की सेपरेट बिल्डिंग है क्या आपकी? यस यस यस, उसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी एक्चुअली। ये स्टोरी आप जो ये बिल्डिंग खड़ा करने वाला आदमी है उसके मुंह से अगर सुनते तो आपको बहुत ही रोमांचक लगता वो, लेकिन ठीक है मैं बता देता हूँ। मेरे सीनियर ही वो रामचंद्र गरड़ सर, वो फाइटिंग नेचर के आदमी हैं। उन्होंने बहुत से जगहों पे जाके देखा कि यार वकीलों को या उनके जो साथ में आते हैं पक्षकार, उनको बोलने के लिए कुछ सेपरेट अलग से बिल्डिंग नहीं रहती या कुछ अलग से टेबल नहीं रहता। वो जो कोर्ट अलाउड करता है उसी बार रूम में जाते हैं वो, और वहाँ पे ही बात करते हैं या कुछ अपने केस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो वो सर को हमारे अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने अपने माइंड में प्रिपेयर किया कि यार नहीं यार सेपरेट बिल्डिंग तो होनी ही चाहिए। तो फिर वो फाइटिंग नेचर के आदमी है वो चल पड़े उस राह पे, चलो करना है कुछ तो। तो बाद में उन्होंने जाके हाई कोर्ट से परमिशन ली, BNC से परमिशन ली, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ली, और बाद में मुंबई जाके लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट से भी परमिशन ली। और वहाँ यहाँ पे जाके उन्होंने एक पूरी बिल्डिंग बना दी। अच्छा, सेपरेट बार के लिए, खाली एडवोकेट्स लोगों के लिए। ये कितनी है, ग्राउंड प्लस? हाँ, ग्राउंड प्लस वन है सर, ग्राउंड प्लस वन है। तो प्रॉबेबली सर यहाँ पे ऐसा आप पूरे महाराष्ट्र में देखेंगे तो कहीं पे भी नहीं है। वही, लेकिन उन्होंने जो फाइटिंग नेचर था उनका कि यस वकीलों के वास्ते कुछ ना कुछ रहना चाहिए। सर आफ्टर सम टाइम, अभी कोरोना का पीरियड हुआ है सर, कोरोना के पीरियड में जब वकील पूरा कंट्री स्टॉप हो गया था तो वकील भी स्टॉप हो गया था। और कुछ वकील तो ऐसे है सर जो मरने की बात भी पता नहीं चला कि ये इसकी डेथ हो गई। अरे बाप रे, बहुत ही बुरी तरीके से ये जो सिचुएशन हैंडल की एडवोकेट्स लोगों ने, उसके लिए वो जो आदमी है उसने बहुत पहले से ये सोच लिया था कि वकीलों के वास्ते कुछ ना कुछ होना चाहिए। खाली यही नहीं सर, उन्होंने एक बैंक भी निकाली। हाँ, बैंक, वो खाली वकीलों के लिए बैंक निकाली थी। बाद में उसका दायरा बढ़ा तो उन्होंने कॉमन पीपल के लिए भी चालू की, लेकिन पहले चालू करते समय वो खाली वकीलों के लिए चालू की थी। और उसका नाम भी है वकील नागरी पद संस्था, इट्स अ क्रेडिट सोसाइटी, बट इट विल सम आफ्टर सम डेज इट विल बी चेंज इन मल्टी स्टेट बैंक, बट अभी उसका नाम है वकील नागरी पद संस्था। अच्छा, यस, मतलब एक तरह से एक्सक्लूसिव क्रेडिट सोसाइटी, मतलब शुरुआत तो हुई एक्सक्लूसिवली फॉर एडवोकेट्स। यस यस, ओनली फॉर एडवोकेट्स उन्होंने चालू की थी, सिर्फ एडवोकेट्स के वास्ते। आफ्टरवर्ड्स इट विल बी गेट बढ़ती गई। और उन्होंने फिर कॉमन पीपल के लिए भी वहां से लोन वगैरह चालू किया, जहां वकीलों को लोन देने से कई बैंक का तकलीफ या देती ही नहीं है, वहाँ खाली वकील लोगों के लिए एक बैंक खुली गई और वकील लोग आम आदमी को पैसे देते हैं। ओके, वहाँ से। ओके, यस, और वो भी इस्टेब्लिशमेंट, मैं कहता हूँ कि रामचंद्र गरड़ सर ने बहुत ही अच्छी इस्टेब्लिशमेंट की है हमारे जैसे एरिया के वकीलों के लिए सर, क्योंकि शायद ही कभी वकीलों ने इस्टेब्लिश किया हुआ बैंक सुनने को आया होगा। आई थिंक देर इज नो एनी वन अदर एग्जाम्पल ऑफ दैट, छोड़ के उसको। yes, yes, yes. तो मतलब वो बैंक वकीलों को भी सहायता करती है लोन दे के, वकीलों को ज्यादा करती है, आम आदमी को तो करती है लेकिन वकीलों को प्रेफर्स करके उसको इस्टेब्लिश इसी के वास्ते किया था कि यहाँ पे वो आप वकीलों को लोन दे सके या वकीलों के पैसे रख सके। सर एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा कि पोस्ट ऑफिस के लिए कोई यहाँ पे कोई प्रबंध चालू है आपके? हाँ सर, यस, कोर्ट प्रीमाइसिस में आए के जो प्रेसिडेंट है और कोषाध्यक्ष जो है, कोषाध्यक्ष माने सर जो जिसके पास पूरा कोष रहता है, ट्रेजरर चौधरी सर, और हमारा पूरा बार मेंबर्स ये ट्राई कर रहे हैं कि बहुत से जगहों पे हमने जाके देखा है कि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस का बैंक है बहुत से कोर्टों में। तो हम भी यही चाहते कि हमारे यहाँ पे भी एक कोर्ट के दायरे में पोस्ट ऑफिस का एक ऑफिस खुले, बैंक खुले,
जहाँ पे बहुत से पत्र व्यवहार भी रहते हैं हमारे कोर्ट के या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के या फिर कलेक्टर ऑफिस के, जो यहाँ से होते हैं उसको उसको एक सहूलियत मिलेगी सर। उसके वास्ते हम प्रयत्न कर रहे हैं कि यहाँ पे वो चालू। ओके यस सर। मतलब नोटिस वगैरह भेजना, समन्स भेजना, इसके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा आपको। जस्ट लाइक बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है फाउंटेन में, उसके अंदर पोस्ट ऑफिस है। हमने वही बहुत जगहों पे देखा है सर कि पोस्ट ऑफिस होता है कोर्ट के अंदर, एक बैंक की ब्रांच होती है। औरंगाबाद हाई कोर्ट अगर आप जाए तो वहाँ पे SBI बैंक की एक ब्रांच है सर। ओके यस। तो हमें भी यही करना था, वो बैंक तो एडजेसेंट टू कोर्ट है, बैंक की नहीं लेकिन पोस्ट की जरूरत यहाँ पे है सर। इसकी वजह से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि यहाँ पे भी एक ब्रांच खुले जो वकीलों के लिए आसान हो सकता है। तो प्रीति सर, सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट कि इस तरह का कोई पोस्ट आपके यहाँ भी आए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। बार के आप सचिव हो उसके कारण आपने अच्छा हमें एक परिचय करा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।